बिना देखे मुड़ाने मजा आ रहा है चूतिया के लोड़े क्यों मुड़ा क्यों रहा पीछे देखना तो पीछे देखना भाई देखो ये हलवान जी बैठे हुए हैं यहाँ काश ये मेरे को देख के नाड़ रहे हैं तो अच्छी बात है पर मेरे को देख रहे हैं बहुत गौर से चलो भाई यहाँ आ तो गए हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं फ़ोटो वोटो शूट करता हूँ इसके भाई हमारे पास दूसरा आईफोन नहीं भी है जिससे हम फ़ोटो शूट कर सकते हैं इसके तो चलो इसके उधर खड़ा करके इसके एक झाटू पोज में फ़ोटो खींचते हैं भाई इस बच्चे का रिएक्शन देखो भाई चलो चलते हैं आगे भाई ये कह रहा है कि भाई यहाँ घूम के तो और बोर हो रहे हैं भाई यहाँ कुछ पब्लिक नहीं कुछ भीड़ वगैरह नहीं ये कह रहा भाई यहाँ के बोर हो रहे हैं घूम आए भीड़ भीड़ है कुछ अच्छा तो चलो भाई चलते हैं आगे निकलते हैं यहाँ से भाई कुछ वैसे भीड़ भीड़ तो कुछ है नहीं भाई रिएक्शन वियक्शन तो भाई कुछ सूट हो नहीं रहे तो चलो चलते हैं यहाँ से कुछ मेले की साइड देखते हैं रिएक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है तो चलो निकलते हैं यहाँ से तो भाई यहाँ पे भीड़ कम है या हम आए गलत टाइम पे भाई पिछली बार आए थे तो भी कुछ नहीं दिखा था यहाँ पे कुछ भी भीड़ भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी तो आज भी भाई कुछ भीड़ भीड़ तो है ही नहीं कुछ भी भाई तो चलो निकलते हैं यहाँ से चलते हैं मेले की साइड देख आते हैं उधर क्या सीन रहता तो चलो निकलते हैं यहाँ से तो भाई साविलास से तो निकल आए थे भाई अब चलते देखते हैं मेले की साइड चलते हैं अब भाई पहले कराते हैं फ्यूल और फिर चलते हैं भाई मेले की साइड कुछ रिएक्शन शूट हो जाएँ तो क्रेजी क्रेजी से रिएक्शन तो चलो चलते हैं भाई आ चुके हैं अमरोहा के अंदर अमरोहा शहर के अंदर अब भाई यहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ इतनी खास है नहीं भाई जो रिएक्शन वियक्शन शूट हो चुके हैं अपने भाई अब चलते हैं सीधा यहाँ से मेले की साइड देखते हैं उधर की साइड का क्या सीन रहता है क्या रिएक्शन रहते हैं उधर की साइड के तो चलो चलते हैं मेले की साइड तो भाई यहाँ तो कभी भाई मतलब कभी भाई यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपको भीड़ ना मिले भाई पिछली बार आए थे भाई तो भी यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली भीड़ लगी हुई थी जब पिछली बार आए थे यहाँ पर और अब के भाई भीड़ ही लगी हुई है यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक रहता है तो चलो निकलते हैं आराम से धीरे धीरे अमरोहा के बाहर मेन रोड पर कि फिर चलेंगे भाई मेले को अपन पहले इसमें फ्यूल भी कराना तो चलो भाई मैंने रास्ते भाई देखे भी नहीं कि किधर किधर को जाना है मेरे को पता नहीं भाई सही से अच्छा हाँ भाई अब याद आ गया कि अपनों को किधर जाना है अब चल लेंगे अपन सीधा मेन मतलब हमारी जहाँ शॉप है उसके ठीक सामने निकलेंगे अपन इस रास्ते से तो चलो निकलते हैं जल्दी से भाई मार्केट के अंदर रह के भाई मेरा मन नहीं करता कि मैं कैमरा ऑफ करूँ जिस टाइम कैमरा ऑफ करता हूँ भाई उसी टाइम रिएक्शन आते हैं लोगों के इसलिए भाई अब ज़्यादातर सोचूंगा कि ऑन रखूँ भाई मेरे को रिएक्शन कैप्चर करने जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके भाई मंडे के दिन भाई अमरोहा में भाई ज़्यादा भीड़ रहती है भाई मेरे को ऐसे लगता है भाई भाई इतनी भीड़ भाई क्या करें इतनी भीड़ भाई इतना टाइम लगता है भाई अमरोहा से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा तो चलो भाई निकलना तो है ही चलते हैं धीरे धीरे अमरोहा के बाहर भाई जैसे कि आज मंडे के दिन भाई सबकी शॉपिंग होती है भाई इतनी भीड़ रहती है आज के दिन यार इतनी भीड़ हो रही है भाई अमरोहा में क्या बताऊँ यार इतनी ज़्यादा भीड़ भाई अमरोहा में सिट यार भाई बहुत टाइम हो गया भाई चलते भाई मेरा क्रिस पकड़ते पकड़ते भाई हाथ में दर्द होने लगता अमरोहा के अंदर भाई लोगों का रिएक्शन तो भाई अच्छा आ रहा है लोगों का जो भी कहो भाई पहले चलते हैं अपन जो अपना मेन वाला पेट्रोल पंप है उधर की साइड पहले कराएंगे भाई इसकी टंकी फुल क्योंकि भाई अपन तो खाना खा चुके हैं भाई इसका तेल भी भरवाना ज़रूरी है वरना ये कहीं भी रुक सकती है तो इसलिए चलते हैं पहले इसमें कराएंगे फ्यूल और फिर चलेंगे अपन मेले की साइड तो भाई पहले कराते हैं इसमें फ्यूल अब तो चलो पहुँच चुके हैं भाई अपन अमरोहा के बाहर भाई हाथ में दर्द होने लगता भाई अगर क्लिच पकड़ रहे हैं तो चलो चलते हैं पहले अमरोहा के बाहर मतलब जो मेन वाला पेट्रोल पंप है उधर की साइड पहले कराते हैं इसमें फ्यूल तो चलो गाइस फ्यूल करा लिया है अब निकलते हैं यहाँ से मेले की साइड देखते हैं क्या सीन रहता उधर का मेले की साइड का भाई रिएक्शन मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो चलो चलते हैं भाई सीधा मेले की साइड यहाँ से भाई अमरोहा भाई ट्रैफिक इतना रहने लगा कि भाई अब रश ड्राइविंग होती नहीं है भाई इतनी ज़्यादा
वरना भाई रश ड्राइविंग तो भाई स्प्लेंडर पे बहुत अच्छी होती है भाई। कभी स्प्लेंडर का रश ड्राइविंग का व्लॉग लाएंगे हम कभी, यही सोच रहे हैं भाई। अब मेरे भाई बोर्ड के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 22 तारीख से भाई, पहला एग्ज़ाम है भाई। क्या बताऊँ आपको, व्लॉग देखने के लिए मिले नहीं मिले भाई। मेरा सेंटर मुरादाबाद गया है, ये भी एक लोचा है कि भाई मेरा सेंटर मुरादाबाद गया है। तो आ चुके हैं भाई गांधी मूर्ति पर, भाई मेला लग रहा है कुछ हमारा इधर की साइड। देखते हैं दिन का क्या व्यू रहता है उधर का। मेला लग गया। हाँ भाई ये देखो, आई लव अमरोहा भाई। यहाँ की पार्किंग वार्किंग तो भाई कुछ पता नहीं कि किधर पार्किंग वगैरह भाई मेरे को अभी तक। वैसे भाई एक दो बार मैं देख के चला गया क्योंकि पहले भाई पार्किंग उधर थी, अब इधर की साइड हो चुकी शायद। अब देखते हैं भाई पार्किंग किधर है, फिर चलेंगे अंदर। भाई यहाँ पे वैसे सुना है कि मैंने बड़े बड़े सिंगर भी आ चुके हैं, मतलब फ़िलहाल में बथेरे बड़े सिंगर भी आ चुके हैं। चलो देखते हैं अंदर चल के भाई। आंटी है, चलो भाई मना तो कर नहीं रहे भैया कि अंदर जाने के लिए। देखते हैं भाई क्या सीन है भाई, पार्किंग है इसकी इधर भाई, अब तो कुछ भी नहीं है अंदर। चलो भाई बाइक देखते हैं भाई क्या सीन है इधर का भाई। वैसे तो सभी बाइक लेके जा रहे हैं भाई, मैं भी लेके जा सकता हूँ। तो चलो घूमते हैं इधर, देखते हैं क्या क्या सीन है, रिएक्शन मिलता तो सही वरना फिर भाई देखते हैं कि चलते हैं घर। भाई यहाँ कुछ भी भीड़ अब कुछ भी क्रेज़ नहीं है भाई, जो भी यहाँ पे होता है रात में होता है, जो भी क्रेज़ वगैरह हैं। ओके भाई द यूपी तेज व्लॉग दे दिया द यूपी तेज व्लॉग। तो भाई भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है रात में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है यहाँ पे। तो चलो भाई देखते हैं रात में भी हम आ सकते हैं यहाँ पे भाई अपना व्लॉग शूट करने के लिए। अब निकलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं सीधा घर, अगर भाई मौका मिला तो भाई रात में आएंगे यहाँ व्लॉग शूट करने के लिए। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। व्लॉग शूट हो रहा है अंकल जी, व्लॉग भाई अंकल जी पूछे क्या ला रखा फेस पे। तो चलो गाइस यहाँ अगर मौका मिलता है तो भाई आते हैं रात में, रात को लेंगे यहाँ का तगड़ा सा रिएक्शन। अब चलते हैं सीधा घर क्योंकि भाई वाह। अब बताते हैं इस टोपे को, बिना देखे मुड़ाने मजा आ रहा है क्या चूते के लोड़े? क्यों मुड़ा क्यों रहा? पीछे देखना तो पीछे देखना, तू ना बोल रही का पीछे देखना रे चूतिया के लोड़े भाई, पीछे देखना नहीं चूतिया के लोड़े ने वैसी मुड़ा दी साला गांडू। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से भाई, अभी क्रैश हो जाता भाई तगड़ा सा, इसकी माँ चोद देता मैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से भाई, अब चलते हैं भाई सीधा घर क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है व्लॉग करते करते भाई, मेरे को वीडियो भी एडिट करनी होती है, सब कुछ हम भाई खुद को ही करना होता है मेरे को, घर पे कोई है भी नहीं इस टाइम, नहीं मम्मी नहीं पापा। तो चलते हैं भाई अपन सीधा घर क्योंकि भाई फिर रात को देखते हैं प्लान बनता है तो आने का, भाई रात को आएंगे यहाँ का रिएक्शन शूट करने। तो चलो अब चलते हैं सीधा घर। भाई पटाखे देखो भाई बैकफायर मारती भाई ये। तो गाइस चलते हैं स्लोली स्लोली घर की साइड क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया, थक भी गया भाई मैं, इतनी देर में थक गया तो भाई बाइक ज़्यादा चलती है मेरे से। अब एक हेलमेट भाई इतना भारी है, इसको लगाने के बाद वैसे ही भाई एनर्जी कम हो जाती है और
बैक फायर। तो भाई अपनी बाइक बैक फायर बहुत अच्छे मारती है भाई, एक नंबर वाले बैक फायर भाई, मतलब इतने तगड़े बैक फायर मारती है भाई, बहुत ज़्यादा। दिखाते हैं तुमको इसका बैक फायर का साउंड, एक भाई एक साउंड था भाई, बहुत तगड़ा मारा बैक फायर इसने। चलो भाई जो भी था अच्छा था। अब चलते हैं भाई धीरे धीरे घर की साइड, भाई अपना ब्लॉग भी कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब भाई क्या बैक फायर मार रही है भाई ये। भाई बहुत तगड़े पटाखे मार रही है भाई। भाई एक नंबर भाई, भाई क्या बैक फायर मार रही है भाई, बहुत तगड़े बैक फायर मार रही है भाई, एक नंबर भाई, इतना तगड़ा भाई, एक मज़ा आ गया भाई। तो चलो चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे घर की साइड, क्योंकि भाई टाइम हो चुका है भाई 2:37, मैं 2:37 हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं सीधा घर। भाई बहुत तगड़े पटाखे मारती है भाई ये। भाई इतने, भाई इतने अच्छे बैक फायर, भाई मैं सोच नहीं रहा था कि इतने अच्छे बैक फायर मारेगी ये। भाई क्या बैक फायर मार रही है भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल भाई, बिल्कुल तगड़े। तो चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे घर। तो चलो भाई आ चुके हैं गुलड़िया उधर से, मतलब भाई व्लॉग तो खैर भाई अच्छा सा है भाई, इतना तगड़ा भी नहीं है, जो भी है बिल्कुल अच्छा व्लॉग बना है अपना आज का। भाई आज क्रैश हुआ था भाई बहुत तगड़ा वो। तो भाई 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 हमारा प्लान था कि भाई हम एक दो यहाँ पे रील शूट कर लें खुशी फार्म हाउस पर भाई इसके अंदर आज मतलब शादी हो रही है, मतलब कुछ प्रोग्राम है इसके अंदर, तो भाई इसलिए क्या पता हम रील ना ही शूट कर पाए, इसलिए देखेंगे कहीं और शूट करेंगे सारी सीरीज। तो गाइस आ चुके हैं बागड़पुर, इसको लेना भाई एक कुछ सामान लेना भाई। चलो रोकते हैं यहाँ पे, अपने दोस्त की शॉप है, रोकते हैं यहाँ पे, लेते हैं इनसे क्या सामान लेगा ये। तो गाइस जो सामान लेना था इसने ले लिया, अब निकलते हैं बागड़पुर से थोड़ी फेड़ मारते हुए। हम निकलते हैं यहाँ से भाई सीधा घर की साइड। तो चलो भाई, भाई क्या बैक फायर मार रही है भाई ये, एक नंबर। भाई आ चुके हैं गांव धकतोड़ा, भाई यहाँ से कुछ ही दूर है अपना गांव, भाई पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है भाई आज तो। वीडियो बनाते हुए तो भाई एक तो क्रैश अपना होने वाला था, बस बच गया भाई थोड़ा बहुत, ये शीशा मिरर भिड़ा था भाई उसके अंदर बस, और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। भाई आ चुके अपने गांव मिलक मधुआ गांव का ना, आ चुके भाई अपने गांव। चलो यहाँ पे एक आध वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट कराते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे वीडियो वगैरह सब शूट कर ली हैं, तो चलो अब निकलते हैं भाई सीधा घर। भाई बैक फायर मारती है भाई ये बहुत तगड़े वाले। तो गाइस आ चुके हैं अपने घर, बाइक को करते हैं पार्क। तो चलो तो गाइस आ चुके हैं घर, बाइक कर दी पार्क। भाई सब मैंने आपको बताया था कि सब पार्टी में गए हुए हैं। तो गाइस आ चुके हैं घर वो व्लॉग शूट करके, तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई आज, भाई क्रैश होने से भाई थोड़ा थोड़ा बचा। और भाई एक बात और बता दूँ, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं 22 तारीख से, भाई एग्ज़ाम मेरे स्टार्ट है भाई मुरादाबाद
मेरा सेंटर गया है इतनी दूर भाई। तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम भी देंगे प्यार से। तो भाई एक दो दिन के लिए क्या पता मेरे व्लॉग ना ही आए, हो सकता है भाई, क्योंकि भाई मैं मुरादाबाद जाना आना होगा, क्योंकि भाई मैं ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन से आऊंगा, इसलिए भाई क्या पता व्लॉग ना ही आ पाए। तो भाई मैं देखते हैं रात का क्या सीन रहता है भाई, रात को मेरे को चलते हैं नहीं चलते हैं भाई, वो तो बाद में ही पता चलेगा। मेरे को चलेंगे तो भाई वो अगले व्लॉग में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो भाई मिलते हैं कोई ऐसे ही अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय। भाई वैसे बाइक बताना भाई कैसी लग रही है, क्योंकि भाई मैं तो उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर। तो भाई मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।